राजधानी देहरादून में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के चार गांवों जखोल, हर्षिल, गुंजी और सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है। बता दें कि पिछले शुक्रवार को उत्तराखंड के चयनित ग्रामों के प्रधानों ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्राप्त कर लिया, जिसको लेकर राज्य के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि उत्तरकाशी के हर्षिल गांव को और पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में सम्मानित किया गया है, जबकि हर्षिल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों और सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं गुंजी गांव, जो चीन और नेपाल सीमा के निकट स्थित होने और अपनी सामरिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण विशेष स्थान रखता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, नक्षत्र सभा यानी एस्ट्रो टूरिज्म, एस्ट्रो विलेजेस के रूप में एक हमने नया प्रोडक्ट इवॉल्व किया है, जिसका नाम हमने इवेंट है ये नक्षत्र सभा। तो इसका पहला कार्यक्रम जो था जून के माह में जॉर्ज लिविस मसूरी में हुआ है। दूसरा जो इवेंट है वो आज से जागेश्वर में शुरू हुआ है और उसी क्रम में बेनीताल, ताकुला, जादू, इन जगह में भी ये नक्षत्र सभा के इवेंट्स एस्ट्रो टूरिज्म के किए जाएंगे। तो रुद्रनाथ को लाया, देखिए पंचबद्री पंचकेदार इस सर्किट को भी डेवलप करने का हमारा जो प्लान है और इसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में डालने के लिए हमने ऑलरेडी इसके डोजियर और डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए एक हमने प्राइवेट कंसल्टेंट को भी हायर किया है, जिसकी अनुमति हमने महाकैबिनेट से भी ले लिया है। और जो रुद्रनाथ और तुंगनाथ जो ट्रैक रूट है उसमें सारी व्यवस्थापना सुविधा वितरित करने के दृष्टिकोण से भी हमारी तैयारी शुरू है। जहाँ तक आदि कैलाश और ओम पर्वत की जो यात्रा है उसको हमने इंस्टीट्यूशनल रूप में विशेषकर एरियल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हुए यात्रा हमने मार्च से शुरू करा दी थी। और माउंट कैलाश, जो कैलाश मुख्य कैलाश है, उसके दर्शन ओल्ड डिपू लेक पास से कराने की शुरुआत कल से शुरू की है और पहले बैच को कल मॉर्निंग में दर्शन हो चुके हैं। तो ये आने वाले दिनों में इस यात्रा को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा और KMM के माध्यम से यात्रा आयोजित की जाएगी। सर बेनीताल को